दोस्तों, आपने नेवला और सांप को एक साथ हमेशा लड़ते हुए ही देखा होगा, मगर क्या आपको पता है कि नेवला और सांप दुश्मन क्यों हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जंगल का एक नियम है कि जो सबसे ताकतवर रहेगा वही सरवाइव कर सकता है, और जंगल में हर जानवर अपने से कमजोर जानवर को मारने की कोशिश करता है, और यही सेम बात नेवला और सांप के साथ भी होता है। नेवले ओमनीवोरस होते हैं, इसका मतलब कि वो मीट और वेजिटेबल्स दोनों खा सकते हैं, पर वो ज्यादातर छोटे जानवर खाना पसंद करते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और सांप कार्निवोर्स होते हैं, इसका मतलब कि वो दूसरे जानवर को खाना पसंद करते हैं, जैसे रैबिट्स, बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा, और कभी कभी मोंगूस, जिसे हिंदी में हम नेवला कहते हैं। तो इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को खा सकते हैं, जो कि इन दोनों को सबसे बड़ा दुश्मन बनाता है। एक का लाइफ दूसरे के लाइफ पर डिपेंड करता है, इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के नेचुरल दुश्मन है। कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। नेवले सांपों को अपने खाने के रूप में देखते हैं, जबकि सांप नेवले को अपने खाने के रूप में देखते हैं। वे दोनों जब भी सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को खाने के लिए लड़ते हैं, मगर इन दोनों की लड़ाई में ज्यादातर जीतने के चांसेस नेवले का होता है उसके स्किल की वजह से। पर लड़ाई के बाद नेवले कई बार मर जाते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान सांप उनको डस लेता है, पर उनका जहर काम करने में समय लेता है। यही सब कारण है दोस्तों जो कि सांप और नेवले को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बनाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शॉकिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।